सामने जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये खूबसूरत सी टोयोटा की न्यू रूमियन है। अब सबसे पहली बात, मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप मॉडल, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, पर क्या एक मेजर डिफरेंस है सर्विस के मामले में और क्या क्या चीज़ें टोयोटा की बेहतर है मारुति सुजुकी से। जैसे इसमें रेडिएटर पे आपको वारंटी मिलती है, मारुति सुजुकी पे नहीं मिलती है, से लेकर जो सैकड़ों और चीज़ें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके कीज़ से शुरुआत करते हैं, तो कुछ इस प्रकार के कीज़ आपको इस वी वेरियंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा साइड का जो लुक अलॉय व्हील का सेटअप देख रहे हैं वो एज यूजुअल आप देख चुके होंगे। मेजर जो डिफरेंस हो रहा है वो मैं बताता हूँ। ये है भैया ग्रिल। अब देखिए, मैं ग्रिल का ना एक बार झलक मैं इसलिए आपको दिखाने वाला था, जो सामने भाग है जैसे भी स्ट्रक्चर पे है, सामने यहाँ पर सेंटर जो टोयोटा लिखा हुआ है वो क्यों एक इम्पॉर्टेंट लुक देता है, क्योंकि ये फिलहाल अभी आपने जस्ट देखा है आपका रूमियन, और वहीं पर जैसे मैं क्रिस्टा दिखाऊँ तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके लुक और इसके लुक में आप देखिएगा ऑलमोस्ट थोड़ा एक सिमिलैरिटी इस ग्रिल पैटर्न के कारण थोड़ा बहुत लगता है, जिसका एक प्लस पॉइंट ये हो जा रहा है कि अगर आप इस व्हीकल में इन्वेस्ट करते हो तो एक प्रकार से छोटा इनोवा एक कंसिडरेबल पॉइंट है, और अर्टिका से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, तो जितने भी ट्रैवलिंग कंपनियां हैं उसमें गारंटेड ये एक गाड़ी लोग प्रेफर करते हैं अगर उन्हें इनोवा क्रिस्टा नहीं मिले तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी हो जाती है। आप फैमिली पर्पज़ के हिसाब से भी कैसा है, स्पेस वेस मैं अभी आपको पूरा बैठ के बताता हूँ, दिल खुश होने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए इन्वेस्टमेंट में बेहतर हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ना, इसका एक बार ऑन रोड प्राइस भी बता देता हूँ। ऑटोमेटिक वेरिएंट अगर आप लेना प्रेफर करते हैं तो मेरे सिटी पे पड़ रही है 16,30,000 की, और राइट आपके डेफिनेटली सिटी में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर एक लमसम आइडिया के लिए तो ये हो गया ऑटोमेटिक का। और वही अगर आप मैनुअल लेते हैं वी वेरिएंट में तो मेरे सिटी में लगभग पड़ जाती है 14,60,000, जो कि आपके सिटी में भी डिफर करेगा, पर एक बार लमसम समझने के लिए कितना बेहतर हो ये आप सोच लीजिएगा। पर इसमें हाँ 30,000 के लगभग एसेसरीज इंक्लूड हैं तो वो आप माइनस कर दीजिएगा। सामने भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ये सेटअप आप ऑलरेडी देख चुके हैं इसलिए मैं वाकिफ नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर फिर वही बोरिंग ऊपर के वेरियंट में भी एक बल्ब पैटर्न के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। ये नोटिस करिएगा, जो मैं थोड़ा एक बताना भूल गया था कि यहाँ थोड़ा सा मैट फिनिश ना देते हुए हल्का सा एक शाइनिंग टच है, कह सकते हैं कि पियानो ब्लैक, और ऊपर यहाँ पर क्रोम टच मिल जाता है। उसके अलावा नीचे फॉग लैम्प्स है जिसमें कुछ इस प्रकार का आउटर कवरिंग है, साइड में आपको कुछ इस प्रकार से मिरर्स मिलेंगे, और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर के साथ जैसे मैं अंदर ओपन करता हूँ तो ये कुछ इंटीरियर मिल जाता है। इंटीरियर में आप नोटिस करिएगा कि सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग दी हुई है, वहीं पर जैसे मैं गाड़ी को चालू करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से तूफानी रूप से ये चालू होकर सामने का लुक दिखने लगता है। अब जैसे चीज़ों को मैं और बताऊं तो यहाँ पर कितापिया में गाड़ी चल रही है, इंजन में हीट वगैरह सब की चीज़ों वाली चीज़ें इसमें बता देती है, और सेंटर में फ्यूल लो का जैसे इंडिकेशन फिलहाल बता रहा है, और राइट साइड कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है वो भी इंफॉर्मेशन बता देता है। इसके बाद जैसे सेंटर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको एक प्यारा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, और इसका आवाज़ थोड़ा सा कम किया जाए, हाँ तो इस कुछ इस प्रकार के डिस्प्ले मिल जाएंगे। आप ऑलरेडी वाकई पे इसलिए मैं उतना ज़्यादा कवरिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑन दी वर्ज ऑफ अ थिंग, तो आपको कुछ चीज़ें जो सेटिंग मिलेंगी रिस्पॉन्स ठीक ठाक, उतना भी बेस्ट मुझे नहीं लगता। फिर ये वाला भाग जैसे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर जैसे ऊपर के वेरियंट आप लेते हैं ना तो थोड़ा सा नीचे के वेरियंट के कंपेयर में ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जो थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है, जो उस साइड लहर से होते हुए इधर भी जाता है। अब यहाँ जैसे मैं है तो बता देता हूँ, ये आपको लॉक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो चार विंडोज के लिए कवर और बाकी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट अगर आप हेडलाइट के लेवल देखना चाहते हैं। इसमें भी ऐसा कोई अपग्रेडेशन नहीं है कि मैं चाह रहा था कुछ ऊपर कवरिंग हो ये वाला भाग, पर एज इट इज़ सेम पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको रखना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है जो 16,30 की पड़ रही है मैं बता रहा था, जिसमें एक अच्छा स्मूथ आपको गियर शिफ्टिंग मिल जाती है, और वहीं पर अगर आप मैनुअल प्रेफर करते हैं तो वो 14,60,000 की पड़ रही है। इसके अलावा अंदर से इंटीरियर कुछ इस प्रकार से है, और सीट भी मैं लगभग आपको दिखा देता हूँ, तो एक प्रकार कुछ इस प्रकार का एक सीट मिल जाता है जो प्रॉपर इस स्टिचिंग में मिलेगा, विच इज़ काइंड ऑफ गुड इनफ। फिर जैसे पीछे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो पीछे आप
कोर्स अर्टिका का मैं बहुत सारा कवर किया हूँ, तो उससे आप वाकिफ हैं। मैं यहाँ पर कंफर्टेबल बैठ पा रहा हूँ और लेग स्पेस इतना बढ़ रहा है सीट पीछे होने के बावजूद भी, क्योंकि इस सीट और इस सीट में फ़र्क देखिएगा, फ़र्क है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, तो एसी के जो पीछे बैक के लिए जो ब्लोअर्स दिए हुए हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जिसको आप चार भागों में रेगुलेट कर सकते हैं, सबसे टॉप, मीडियम, सिंगल और बंद। फिर पकड़ने के लिए कुछ इस प्रकार की ग्रिपिंग दी हुई है यहाँ पर, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। और पीछे के लिए लैंप्स दिए हुए हैं। अब इसका ब्लोअर के पावर इतना रहता है कि वो पीछे भी जैसे खिंचाता है ना, तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि पीछे भी बैठे रहते हैं, उनके लिए इजी पड़ती है। पर वहीं पर जैसे जस्ट सेकेंड सीट में अगर किसी को बैठना है तो हल्का सा आप ब्लोअर का जो भी फॉर्म है उसको नीचे कर लीजिएगा, वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर पीछे जैसे देख रहे होंगे तो आपको सॉकेट दिए हुए हैं। और सीट की अगर कंफर्टेबिलिटी के बारे में बात करें, सो इट्स अ गुड कुशनिंग। साइड का स्टिचिंग है, दो कलर ऑप्शन ना देते हुए तीन में डिवाइड किए हैं, जैसे ये हो गया टेक्सचर, और वहीं पर ये साइड वाला भाग है सिंपल, और जो लास्ट है वो स्टिचिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा ग्रे पैटर्न में मिल जाएगा। इसके अलावा जो एंट्री है वो कुछ इस प्रकार से होगा, और प्रॉपर अगर आप इसे फोल्ड करते हैं तो आप तीसरे रो के में एंट्री हो जाएंगे, और तीसरे रो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। और कंफर्ट है यहाँ बैठने के बाद भी, अर्टिका के जितना भी सीट कंफर्ट दिया हुआ है सेम एज इट इज़ है, और हेडरेस्ट भी इसमें आपको मिल जाएंगे। वहीं पर जैसे मैं पीछे जाता हूँ तो पीछे आपको कुछ इस प्रकार के बैक लैंप्स मिलते हैं, जिसमें फ़िलहाल अभी लाइट जली है तो कुछ ऐसा इंडिकेशन दिख रहा होगा। पीछे टोयोटा की बैजिंग है, नियो ड्राइव वी यहाँ पर लिखा हुआ है, और गाड़ी का नाम जो कि रोमियोन है। एक ओवरऑल ग्लेंस में पीछे से लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको ये व्हीकल कितनी बेहतर लगी कमेंट डाल दो।